नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। दोस्तों आज बात करूंगा राहु केतु फर्स्ट और सेवन एक्सिस, यानी कि राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवन्थ हाउस में, तो किस तरह का परिणाम आता है ज़्यादातर। यहाँ पे देखिए, मैं कॉम्बिनेशंस की ज़्यादा बात नहीं, यानी कि हो सकता है आपके कुंडली में राहु के साथ और भी दो प्लैनेट, तीन प्लैनेट, चार प्लैनेट बैठे हों, तो कंडीशंस बदलती हैं, लेकिन फिर भी राहु केतु इस एक्सिस पे क्या रिजल्ट देंगे कन्या लग्न की कुंडली में, आज हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों राहु और केतु पे कभी भी डायरेक्ट हमें उड़ी नहीं मरना होता है, कभी भी डायरेक्ट जंप नहीं करना होता है कि वो यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा। आपको पहले ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे, इन सारे पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि राहु केतु आपके लिए कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। सबसे पहले राहु और केतु कैसे प्लैनेट है वो शॉर्ट में समझ लेते हैं। राहु दोस्तों आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो डिज़ायर्स हैं जो आप बहुत ड्रास्टिकली पूरा करना चाहते हो, और वो डिज़ायर्स हैं जिसके लिए आप कहीं भी हो सकता है थोड़े ऑब्सेस्ड हों, क्योंकि राहु ऑब्सेशन, इल्यूजन और इल्लीगल एक्टिविटीज़, इन सब चीज़ों का ये बहुत ही विशेष प्लैनेट माना जाता है। आपको बता दो, राहु का काम है, राहु आपको प्रोफेशनल आउट ऑफ द पर्सनल लाइफ, आउट ऑफ योर हाउस जो लाइफ होती है, मैटरियलिस्टिक लाइफ, यानी पैसा, प्रोफेशन में वृद्धि, स्टेटस में वृद्धि, कहीं ना कहीं अपने जो लग्जरी की तरफ, मैटरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप जो भी करना चाहते हो उस प्रोफेशन के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। मनी टर्म्स के लिए, मैटरियलिस्टिक दुनिया के लिए काफ़ी आपको हेल्प करता है। बट पर्सनल वे में, इमोशनल वे में, इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, घर की लाइफ के लिए, राहु हेल्थ के लिए, राहु इतना अच्छा प्लैनेट नहीं होता है, क्योंकि ये इसका अपना एक बेसिक तरीका है। बिकॉज कहते हैं ना कि इंसान कितना भी अच्छा काम करे, लेकिन उस वो इन जैसा इंसान है वो उसी तरीके से काम करता है। उसी तरीके से केतु जो है वो एक डिटैच्ड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, यानी कि डिटैच्ड काइंड ऑफ प्लैनेट है, आपको वो जीवन से काटता है। जहाँ पे राहु बहुत ज़्यादा डिजायरेबल बनाता है, वहीं केतु आपको लाइफ से काटने, यानी कि आपकी इच्छाओं को मारने की काम करता है। आपको जहाँ भी केतु बैठता है वहाँ से जुड़ी जो हैप्पीनेस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कहीं ना कहीं वो खुशियाँ, या जिस प्लैनेट के साथ भी केतु बैठता है उससे जुड़ी जो जो चीज़ें होती हैं, जो जिसका वो कारक होता है, उन सब चीज़ों को भी काफ़ी हद तक ड्राई कर देता है। तो एक ड्राई प्लैनेट है केतु, डिटैच्ड करता है आपको लाइफ से, एक थोड़ी सी तड़प जो होती है ना उस चीज़ से जुड़ी जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस है, उसके लिए थोड़ा सा तड़पाता है आपको। तो केतु जहाँ पे भी होगा बहुत ज़्यादा होप्स वहाँ पे काम नहीं करते, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वहाँ पे काम, वहाँ पे हम्बलनेस ही हमेशा काम आता है। और आपका सेटिस्फैक्शन, बोलते ना कि कम में मान जाओ, शांत रहो अपने आप और हम्बल रहना सीखो, यही केतु का सबसे बड़ा मंत्र होता है। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आपको। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने प्लैनेट बता दिया, प्लैनेट कैसे होते हैं, राहु केतु का मतलब समझा दिया, अब चलते हैं, ये सारे पॉइंट हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखना है दशा इज इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि राहु की दशा, खास करके मैं राहु की बात करूंगा, अगर 21 वर्ष के पहले राहु की दशा पड़ती है तो ये ज़्यादातर आपको तकलीफ देती है, आपके एजुकेशन करियर को, आपके हेल्थ को, आपसे आपके जो होम लाइफ होती है, आपके फादर को काफ़ी हद तक ये तकलीफ देती है। बहुत बार मिसफॉर्च्यून भी देखे जाते हैं घर में अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, और 21 वर्ष के पहले आपकी दशा चालू हो गई, यानी कि आप 12 साल के थे, 15 साल के थे, 16 साल के थे, ऐसे समय पे आपकी दशा चालू हो गई राहु की, तो ये बहुत बार ये दिक्कत परेशानी देती है। ठीक है, ये पहला चीज़ नोटिस करना है दशा, और दशा आपकी किसकी चल रही है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राहु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो आदमी जो होता है वो अब बोलते ना कि लोगों का अटेंशन बहुत ज़्यादा वो सीक करता है और चाहता है। जैसे कि आपको बता दूँ ये 6 नंबर की साइन है, 6 नंबर की साइन एक अर्थ साइन कहा जाता है। ये देखिए अर्थ साइन में राहु अच्छा रिजल्ट देता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो यहाँ पे एक तरह से राहु का बैठना वर्गो में अच्छा है। फर्स्ट हाउस में राहु का बैठना एक सिंबल है कि आपका जो हेड का पार्ट होगा वो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होगा, थोड़ा बड़ा होगा आपका सर का हिस्सा, तो 100% दिखाता है कि ये राहु का इफेक्ट आपकी पर्सनैलिटी पर रहेगा। ऐसा आदमी किसी भी चीज़ को बहुत ही घुमा फिरा के, मोड़ तोड़ तोड़ के बोलने में बहुत ही सक्षम होता है, और कहीं ना कहीं अपना काम निकालना वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। राहु फर्स्ट हाउस की ये खासियत होती है। ठीक है, दशा देख लीजिएगा, उसके बाद राहु कितना अच्छा है कितना बुरा है आप
ये देखिएगा कंडीशन ऑफ सन मून इन लग्ना चार्ट, ये आप ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दो जितना ही सूर्य चंद्र बलवान होंगे आपकी कुंडली में उतना ही राहु केतु का नेगेटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में कम होगा। राहु केतु के अगर दशा भी चल गई, 21 वर्ष के पहले भी दशा चल गई, अगर आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों ही बली हैं, दोनों ही स्ट्रांग हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ राहु केतु से नहीं होने वाली है। अब जैसे स्ट्रांग कैसे पता चलेगा, अगर मान लीजिए आपका सन यहाँ पे इन सब जगहों पे बैठा हुआ है, इन सब जगहों पे बैठा हुआ है, तो ये बेसिकली एक स्ट्रांग सन, आपका सूर्य स्ट्रांग माना जाएगा, ये समझ लीजिएगा। आपका सूर्य बहुत अच्छे स्थान पे बैठा हो, देखिए यहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, ये स्वराशि है उनकी, बट प्रॉब्लम ये है कि ये 12वां भाव है, यहाँ पे सूर्य कुछ खास कर नहीं पाते, और ये अष्टम भाव में सूर्य चला जाएगा तो भी उच्च का होके भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, बट स्टिल उच्च का सूर्य है तो थोड़ा बहुत आपको सेल्फ इस्टीम से सपोर्ट करता है, तो थोड़ा मजबूत, थोड़ा एक तरह से हम उसको स्ट्रांग समझ सकते हैं, बट एक्चुअली आपको किन किन जगहों पे स्ट्रांग समझना है मैंने आपको बता दिया है, इन सब जगहों पे ही स्ट्रांग समझना है। आपका सूर्य है तो वो काफ़ी स्ट्रांग माना जाएगा, इवन यहाँ पे भी अगर आपका सन है या इस जगह पे भी है फोर्थ हाउस में, तो भी फोर्थ हाउस में सन का डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो जीरो है, बट स्टिल सैजिटेरियस साइन है, फायर साइन है, तो काफ़ी हद तक सन को सपोर्ट मिलता है। तो ये सब जगह आपके लिए सूर्य बैठा हुआ है तो एक तरह से अच्छा माना जाएगा, ये रिजल्ट अच्छा दे सकता है। इसके अलावा चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा कहाँ पे अच्छे हो सकते हैं, चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है, चंद्रमा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है, मून यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे सकता है, इन सब जगहों पे अगर आपका चंद्र बैठा हुआ है तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे सकता है आपका मून। तो सन और मून को देखिए चार्ट में उनकी क्या स्थिति है, उस बेसिस पे आपके राहु केतु की जो नेगेटिव इंटेंसिटी है, नेगेटिव रिजल्ट देने की जो जो कह सकते हैं संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है। लास्ट में देखना है दोस्तों नक्षत्र, राहु और केतु का नक्षत्र क्या है, ठीक, सॉरी प्लेसमेंट एंड डिस्पोजिटर देखना है, उसके बाद प्लेसमेंट और ऑफ डिस्पोजिटर यानी कि जिसके साइन में बैठे हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये साइन किसकी हुई, मर्कुरी की। अब दोस्तों मर्कुरी अगर आपका कहाँ बैठा हो, इन सब जगहों पे बैठा हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन सब जगहों पे अगर आपका बुध बैठा हुआ है तो आपको एक हद तक काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, गुड कॉम्बिनेशन बैड कॉम्बिनेशन मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो कॉम्बिनेशन कैसे देखना है, जैसे कि राहु बुध के साइन में बैठा है, मर्कुरी मान लीजिए आपका 11th हाउस में, तो कॉम्बिनेशन क्या हुई, 1, 10, क्योंकि 10 का मालिक, 10वें भाव का मालिक भी जेमिनी साइन की मालिक कौन है, मर्कुरी है, तो यहाँ का मालिक 11 में बैठा है, तो कॉम्बिनेशन क्या हुई, 1, 10, 11 की कॉम्बिनेशन, जैसे कि ये कॉम्बिनेशन आ गई तो ये अच्छी कॉम्बिनेशन हो गई। तो इस तरीके से आपको देखना है कि क्या कॉम्बिनेशन आ रही है, उसी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको मैंने जो यहाँ पे बताया अगर मर्कुरी वहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे राहु की दशा में। फिर से बता देता हूँ, मर्कुरी यहाँ पे एक हद तक काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये रहेगी, राहु की जो एस्पेक्ट है वो मर्कुरी पे पड़ेगी 5th और 9th हाउस पे, तो काफ़ी हद तक राहु का ही प्रभाव रहेगा आपके लगन के ऊपर, कम्प्लीटली समझ लीजिए। तो बहुत ज़्यादा आपको डिजायरेबल और बहुत ज़्यादा मेटरलिस्टिक बना सकता है, ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी बना सकता है, बस ये एक नेगेटिविटी होती है। अच्छा, अब हमें देखेंगे, ये हमने क्लियर कर लिया, अब हम देखेंगे लास्ट में नक्षत्र। नक्षत्र यहाँ पे 6 कन्या राशि है, यहाँ पे मंगल का नक्षत्र पड़ सकता है दोस्तों। तो यज्ञ कभी भी राहु अगर अष्टमेश या 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में होता है, क्योंकि ये 12वां भाव है और ये अष्टम भाव है, इनके स्वामी के नक्षत्र में होता है तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आपको देता है उनकी दशाओं में। तो अब हम क्या देखेंगे,
राहु यहाँ पे अगर मंगल के नक्षत्र चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में मंगल का नक्षत्र पड़ता है, अगर चित्रा में बैठा हुआ है आपका राहु तो मतलब वो मंगल के नक्षत्र में है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए आपका मंगल यहाँ है या फिर यहाँ बैठा है, तब ये थोड़ा सा उसकी दशा में दशा अंतरदशा में आपको कर्जे से या फिर किसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन या किसी अनवांटेड खर्चे के द्वारा लिटिगेशन के द्वारा परेशानी में उलझा सकता है। अदरवाइज नॉर्मली इसका कोई ज्यादा बुरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दशा अंतरदशा चली तो तकलीफ दे सकता है, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में बैठा और मंगल यहाँ पे तीसरे और अष्टम का स्वामी है, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मंगल के नक्षत्र में ना हो ये ध्यान देना है। अब लास्ट में हम देखेंगे साइन कौन सी, साइन अर्थ साइन है, वर्गो 6 नंबर की साइन अर्थ साइन होती है ये, फिर पॉजिटिव हो गया। अगेन राहु यहाँ पे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देंगे, बशर्ते जो मैंने शर्तें बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए, मरकुरी से रिलेटेड, सूर्य चंद्रमा से रिलेटेड, वो अच्छे हों तो काफी अच्छा रिजल्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं केतु के रिलेटेड। केतु 7th हाउस में, 7th हाउस में केतु को ज्यादा अप्रिशिएशन नहीं दिया जाता, बिकॉज ये हमारे मैरिज लाइफ, हमारे सोसाइटी से कनेक्ट होने की जगह होती है, तो कहीं ना कहीं केतु जो है सोसाइटी से काटता है आपको, आपके पार्टनर से अनसेटिस्फाइड होने की फीलिंग देता है कहीं ना कहीं। जब आप पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपने होप्स डाल देते हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हो अपने स्पाउस से, अपने हस्बैंड से, तो यहाँ पे आपको एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग यहाँ पे नजर आएगी। तो केतु जहाँ पे हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मत करिए, वहाँ पे हम्बल रहिए और एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को, तो चीज़ें अच्छी चलेंगी। अब यहाँ पे केतु कितना अच्छा है कितना बुरा है ये डिपेंड करेगा, सन मून तो आपको ऑब्वियसली देखना ही है, सेकेंडरी यहाँ पे देखना है डिस्पोजिटर, यही रूल अप्लाई करना है। डिस्पोजिटर कौन है, यहाँ पे जुपिटर, और यहाँ के कारक भी जुपिटर होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए वीनस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर ये जुपिटर अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके कुंडली में तो आपका मैरिड लाइफ काफ़ी हद तक परेशानी वाला हो सकता है, और अगर आप मेल हैं वीनस काफ़ी खराब है और जुपिटर भी खराब है तो आपके लिए ये मैरिज लाइफ खराब होने की संभावना दिखाता है काफ़ी हद तक। तो कहीं ना कहीं ये केतु जो है 7th हाउस में आपको एक हद तक पार्टनर से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड अनसेटिस्फैक्शन, डिटैचमेंट, पार्टनर से अलगाव, इन सब चीज़ों का प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट होंगे अगर राहु केतु आपके 1st और 7th एक्सेस में है और आपका कन्या लग्न का कुंडली है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो वर्गो के लिए, वर्गो असेंडेंट के लिए राहु केतु 1st एंड 7th एक्सेस। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप बहुत अच्छे पोस्ट वहाँ पे देख सकते हैं, तो एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।